हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम बात करेंगे उन पांच चीज़ों की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं या अपनी प्रिपरेशन के मिड में हैं, तो ये पांच बातें हैं जो आपको केयरफुली ध्यान में रखनी है और स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, जो लॉ के अपने फाइनल ईयर में आ गए हैं, उनके लिए पांच सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप पास्ट ईयर पेपर और सिलेबस 10 बार चाहे पढ़ के देख लें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट यू शुड बी अवेयर कि क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन और कहां से वो क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि मैं कौन कौन सी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम्स देने वाला हूँ। उसके बाद आपको उन स्टेट की जुडिशरी के सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर्स, एटलीस्ट पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स आपको इकट्ठा करने हैं, प्री के और मेंस के, और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। इससे ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन फोकस्ड रहेगी, स्ट्रीमलाइंड रहेगी, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ज़रूरी है क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है या क्या छोड़ना है। तो इसीलिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिसाइड अपॉन कौन सी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम आपको देना है, एंड सेकेंड वन कि आप उसका सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर्स चाहे हर तीसरे दिन एक बार पढ़ें लेकिन उसको याद कर लें। नेक्स्ट इज कि आप रिसोर्सेज डिसाइड कर लें कि भाई मैं इस बुक से पढ़ने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला हूँ तो मैं एमपी सिंह या एमपी जैन एक बुक लूंगा, दोनों नहीं लूंगा, ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाला हूँ तो अवतार सिंह लूंगा या बांग्या लूंगा, और आईपीसी पढ़ने वाला हूँ तो मैं केडी गौर ले सकता हूँ, रतनलाल धीरजलाल ले सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ यही बुक पढ़नी है, बिकॉज आज के टाइम पे अम्प्टी नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, बट उस सही में से भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए बेटर है कि आप पेन डाउन करें, एक नोटबुक लें, उसमें लिख लें कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक लेनी है। एंड स्पेशली विद जुडिशरी प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट फिक्स्ड है, आपको पता है कि आईपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब पूछे जाएंगे, तो उसकी कोई भी एक बुक ले लें। एंड इसमें देखिए, रिसोर्सेज जितना पता होना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको रिसोर्सेज की नॉलेज हो, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हो, ठीक है, कि आपको नॉलेज हो कि मेरे पास ये बुक्स पड़ी हैं, तो रिसोर्सेज प्रॉपर होने चाहिए। सेकेंडली, रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एमपी सिंह, एमपी जैन दोनों पढ़ रहा हूं, तो उससे होगा क्या, आपको याद कुछ नहीं रहेगा, पढ़ना बहुत मुश्किल है। पहले से तो 1500 2000 पेज की बुक्स हैं, उनको पढ़ना, याद करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। थर्ड वन इज आपको रिवाइज ज्यादा करना है, रीड लेस रिवाइज मोर। जुडिशरी के एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए। प्रोविजंस जो बेयर एक्ट में लिखे हैं वो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, केसेस के नाम आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। तो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज दैट यू शुड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितने भी एस्पिरेंट्स आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनका एक फंडा रहता है कि आपके रिसोर्स लिमिटेड हो, कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें। ब्रूस ली ने भी बोला है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूं जिसने अलग अलग 10,000 किक्स प्रैक्टिस किए हैं, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो एक ही चीज जब आप 10 बार रिवाइज करोगे तो आपको उसमें एक्सपर्टीज मिलेगा, तो आपको वो चीज याद रहेगी और एग्जाम में सही टाइम पे याद आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपको एग्जाम मॉक टेस्ट देते वक्त ऐसा लगेगा यार ये कहीं पढ़ा तो है, अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। नाउ नेक्स्ट चीज है दैट यू शुड फोकस ऑन लैंग्वेज पेपर। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लॉ बैकग्राउंड से हैं, हमने LLB कर रखा है, तो हमारा ज्यादा ध्यान लॉ के सब्जेक्ट्स पे होता है, बट हम ये चीज कई बार भूल जाते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट्स लॉ में कहीं ना कहीं अपने फील्ड में माहिर हैं, कहीं ना कहीं उनको लॉ सबने पढ़ा है,
राइट हो सकता है कुछ कम पढ़ाओ कुछ ज्यादा पढ़ाओ, बट लॉ की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं सबकी है। तो जो डिस्टिंग्विशिंग पेपर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं लैंग्वेज पेपर्स, ऐसे लिखना है, किसी की इंग्लिश में कमांड ज्यादा है, किसी की हिंदी लैंग्वेज में कमांड ज्यादा है। तो अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में कमांड एस्टैब्लिश कर लेते हो, दोनों लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ लेते हो, दोनों पेपर्स की तैयारी और अच्छे से कर लेते हो, तो आपके लिए ये ब्राउनी पॉइंट्स होंगे, आपके लिए एक एज क्रिएट होगा अगर आप लैंग्वेज पेपर पे फोकस करते हो, जो कि एक डिसिसिव फैक्टर होता है जुडिशरी के किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है, आप एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। टाइम टेबल क्यों होना चाहिए? देखिए, कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट वो मेहनत चैनलाइज नहीं होती है, ठीक है। रेलवे ट्रैक पे एक गाड़ी खड़ी है, रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी खड़ी है, जिसको नहीं पता है कहाँ जाना है, जिसको ये नहीं आइडिया है कि किस तरफ मूव करना है, अगला स्टेशन मेरा कौन सा होने वाला है, तो ऐसी गाड़ी को उठा के यार्ड में रख दिया जाएगा, ऐसी गाड़ी को धुलाई सफाई के लिए भेज दिया जाएगा। जिस गाड़ी को ये पता है कि मुझे अब नेक्स्ट किस स्टेशन पे पहुंचना है, उसके बाद मेरा टाइमिंग क्या रहेगा किस स्टेशन का, वही ट्रेन आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप भी अपने आप को एक ट्रेन समझें, अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल सेट कीजिए, चाहे वो रोज के 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई क्यों ना हो, बट वो रोज होनी चाहिए और उस हिसाब से होनी चाहिए जैसी आपने तय की है। आपको मूवी देखने जाना है, आप जा सकते हैं, आपको घर का कोई फंक्शन है, आप जा सकते हैं, बट एवरीथिंग हैज टू बी ऑन योर ओन टाइम टेबल, इट इज टू बी सूटिंग टू योर टाइम टेबल। कि आपका टाइम टेबल अगर अलाउ कर रहा है कि यार 3 घंटे मेरे पास है अब जो मैं अपने रिक्रिएशन के लिए दे सकता हूं, तो वो आप दीजिए, लेकिन अपने टाइम टेबल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी फ्रेंड ने, आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी फ्रेंड ने आके बोला चल मूवी देखने चलते हैं और आप चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप डिसिप्लिन से चलें, डिसिप्लिन इज द की हियर। और लास्ट चीज है ये, इसके हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अब आपको क्या क्या करना है। तो आई होप ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको और कुछ चाहे होना हो, आपकी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। ये रिजल्ट तो एग्जाम के दिन का है बट कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको आएगा कि हाँ ये चीजें थी जो मुझे करनी थी, जो मैंने कर ली हैं, अब ये मेरे हाथ में है। तो ये कॉन्फिडेंस लेके आएगी, कंसिस्टेंसी, टाइम फ्रेम प्रॉपर, डिसिप्लिन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम और कुछ इंसाइट्स भी आपको दें जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।